हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि अभी पीएसएससी का इंटर लेवल एग्ज़ाम होगा, फिर एसएससी जीडी है 2024 का, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें भी रीजनिंग आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब ये एक सीरीज दिया गया है तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 28 है, देखिए लगातार ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे पहले हम क्या करें कि 2 पर स्क्वायर करके 1 कर देते हैं। ठीक है, एक पे स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां पर जो पैटर्न दिख रहा है उस पर काम पहले करते हैं। ठीक है, 2 पर स्क्वायर में 1 पर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 - 1 = 3। फिर क्या करेंगे, 3 पर स्क्वायर करेंगे, 9 हो गया। अब 5 लाना है, 2 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया, 5 हो गया। बट अब आगे अगर करेंगे तो 4 पर स्क्वायर करते हैं 16, और यहां पर कितना है, नेक्स्ट इसका 3 पर स्क्वायर करें, 16 - 9 कितना हो जाता है, 7। लेकिन 7 तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, ये तो पैटर्न मेरा फेल हो गया। नेक्स्ट पैटर्न क्या लगा सकते हैं, 2 पर 2 - 1, ये भी लगा सकते हैं दोगुना। ठीक है, फर्स्ट का दोगुना करके -1 किए तो 3, फिर 3 का दोगुना करके -1 हो गया 5, अब लगता है लगेगा 5 का दोगुना 10, -1 हो गया 9। बट आगे जैसे चलते हैं 9 का दोगुना हो गया, -1 करते हैं तो यहाँ 17 आने लगता है, लेकिन है कितना, 28 है। यानी दो पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट पैटर्न मेरा क्या होगा। ठीक है, ये भी जानना चाहिए कि किन दो पैटर्न में नहीं लगा। अब देखिए इसमें एक बेसिक पैटर्न चल रहा है। क्या बेसिक पैटर्न चल रहा है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ये 28 लाना है तो अब 2 पर क्यू करेंगे और +1 कर दिए तो कितना आ गया, बताइए, 2 पर क्यूब +1 आ गया कितना, 9 आ गया। ठीक है, 3 प्लस क्यूब कर दिए, इसका क्यूब कर दिए और +1 कर दिए तो कितना आ गया, 3 पर क्यूब +1 क्या आ गया, 28 आ गया। ठीक है, उसी तरह यहां क्या बच गया, 5। अब 5 पर अगर क्यूब कर दिए और +1 कर दिए तो कितना, 125 +1 = 126। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ये पैटर्न लगेगा। ठीक है, यानी इसका संबंध जो है किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इसका संबंध इससे हो रहा है, इसका संबंध जो है इससे हो रहा है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक नया पैटर्न है। अब ये देखिए इसका संबंध जो है, पहला वाले के संबंध दूसरे नंबर के साथ है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, सेम जो है इस नंबर का संबंध जो है क्वेश्चन मार्क से होगा, तो क्या पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, देखने से क्या लग रहा है कि 24 दिया डायरेक्ट अगर हम 72 कर दें। ठीक है, 24 ये मन में ही करना है क्योंकि बार बार लिख के करेंगे तो आंसर वहां पर, मतलब वहां पर टाइम लगेगा। तो 24 दिया 72, 21 दिया 63, 63 है क्या, 21 दिया 63, 63 है क्या, नहीं है, यानी ये पैटर्न तो नहीं लगा। नेक्स्ट पैटर्न क्या देखते हैं, अगर 36 * 72 होता है। ठीक है, 36 * कितना होता है, 72 होता है, 2 + 4 क्या कर दिए, ऐड कर दिए 6, 6 पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए और गुना दोगुना कर दिए तो यानी कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 + 4 = 6 और 6 को क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो 36 हो गया, 36 को 2 से गुना कर दिए 72 आ गया। इसी तरह कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 9, 9 को दोगुना कर दिए तो कितना आ गया, 18, 18 है क्या, नहीं है, ये भी नहीं हो गया। तो अब क्या पैटर्न आगे लगा सकते हैं, और पैटर्न देखिए। अब जब इतना पैटर्न नहीं लगा तो इसको तोड़ कर पैटर्न लगाया कीजिए। जैसे 2 पर हम क्या करेंगे, अगर डिजिट में तोड़ दिए, 72 लाना है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले लेते हैं, क्यूब से ज्यादा आएगा, 8 आ गया। ठीक है, फिर 4 का भी लीजिए क्यूब तो कितना आ गया, 64 आ गया।
अब इन दोनों को ऐड जब करते हैं तो 72 आ गया। यहां भी देखिए 21 है, तो 21 का 2 लीजिए क्यूब लेंगे तो कितना होगा 8 हो गया, 1 लेंगे क्यूब लेंगे इसका तो 1 हो गया, तो ऐड करते हैं तो कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच फिलिंग इन द ब्लैंक्स स्पेसेस ऑफ द लेटर सीरीज गिवन बिलो इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक सीरीज है और एक जो है स्पेशल टाइप का सीरीज है जिसमें जो है एक पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को हमको फॉलो करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के जगह में क्या भराएगा, ये देखिए जैसे एच कहां कहां पर है, ठीक है, तो कितना ग्रुप बनेगा ये भी जानिए, पहले इसको काउंट कर लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 हो गया, तो 20 अगर लेटर है तो यानी कि हम 5 ग्रुप करके अगर 5 लेटर को एक साथ लेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, या फिर 4 लेटर को लेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे 20 हमने कहा तो 5 लेटर लेंगे तो 4 ग्रुप, या 4 लेटर लेंगे तो 5 ग्रुप, दोनों में से कोई होगा। तो अब देखिए कैसे इसको एक्चुअली में जो बैठाया जाता है, इस तरह से कुछ बैठाया जाता है। तो यहां पर H है, H कहां कहां पर है, यहां भी है, H के बाद क्या है, E है, तो यहां पर E आप बैठा लीजिए। ठीक है, और देखिए H और F के बीच में ब्लैंक है, तो H और F कहीं पर है, H और F, H और F के बीच में G है, तो यहां पर आप क्या डालिए, G डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, E और G के बीच में, देखिए E और G के बीच में क्या है, E और G के बीच में क्या है, E और G के बीच में यहां भी देखिए 2 ब्लैंक है। ठीक है, तो ये भी छोड़िए, अब G के पहले यहां पर देखिए क्या है, G के पहले क्या है, F है, तो G के पहले यहां पर F डालिए। ठीक है, और देखिए F के पहले क्या है, F के पहले G है, तो यहां पे G डालिए। अब G के बाद क्या है, यहां पर H है, तो यहां पर H डालिए, और F के पहले क्या है, F के पहले क्या है, E है, यहां भी F के पहले क्या है, G है। ठीक है, लेकिन F के पहले यहां पर G डालने से देखिए G के पहले है क्या, कहीं पर नहीं है, तो ये वाला डालेंगे। ठीक है, F के पहले जो है, F और जगह है, F के पहले E है, E डाल दिए, F भी हो सकता था, लेकिन यहां देखिए पहले वाले में F कहीं नहीं है। अब देखिए पैटर्न को हम मिलाते हैं, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए अब E E F G H, ठीक है, 5 ग्रुप करके इसको लेते हैं, 5 लेटर लेते हैं, 4 ग्रुप बनेगा, E G F G H E, उसी तरह से, ठीक है, E E F G H E G F G, ये देखिए कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, E E F G H, यहां पर देखिए अगर आप F के पहले F लें, F के पहले जो है क्या है, यहां से लीजिए, यहां डबल बार रिपीट कीजिए, F ही रिपीट कीजिए, ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, E E F G H, E G F G H, ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, ये यहां पर डबल E रिपीट किया, लेकिन यहां पर डबल बार तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, यहां पर F लेते हैं, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, F ले लेते हैं, यहां पर F ले लेते हैं, ठीक है, डबल बार F दे रहे हैं, F F G H यही हो गया, फिर E F G G H, देखिए आगे से मिल रहा है, फिर यहां से देखिए यहां पर E ले लेते हैं फिर से,
ई एफ जी एच एच लास्ट में डाल देते हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। पहला पैटर्न जैसे एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, पांच पांच लेटर का ग्रुप लिए, देखिए चार ग्रुप बना। तो क्या पैटर्न हो गया, पहला ई एफ जी एच, ठीक है, फिर हो गया ई एफ एफ जी एच, फिर थर्ड वाला रिपीट करेगा ई एफ जी जी एच, फिर क्या हो गया ई ई एफ जी एच एच, ठीक है, इस तरह करके रिपीट हो गया। तो क्या क्या रिपीट हुआ, यहाँ पर देखिए ई है, फिर एच है, फिर क्या हो गया ई हो गया, एच हो गया, एफ हो गया, फिर क्या हो गया एफ हो गया, फिर क्या हो गया ई हो गया, एच हो गया। तो कहाँ पर है ऐसा, ठीक है, ई एच एफ एफ ई एच एफ एफ ई एच, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, ये कुछ फलक है, पासा है, डाइस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या निकालना है कि दिए गए पासों के अनुसार डी के फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे नियम है। अगर दो डाइस को लेंगे, ठीक है, अगर दो डाइस को, एक ही डाइस है, अलग अलग इसका परिस्थिति दिया गया, अलग अलग, ठीक है, शेप में दिया गया है, एक डाइस है। तो जैसे इसमें अगर कोई दो फेस लगातार कॉमन हो जाए, मतलब ये मान लीजिए ये फेस और ये फेस कॉमन हो जाता है, ये फेस और ये फेस अगर कॉमन हो जाता, तो हम डायरेक्टली जो बाकी हो गया, जैसे ई जो है सी के विपरीत हो जाता, ठीक है, ई जैसे मान लीजिए यहाँ पर एफ है, यहाँ भी एफ रहता, यहाँ डी है और यहाँ भी डी रहता, तो जो रिमेनिंग फेस हो रहता दोनों का आपस में क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक जो है कॉमन है। ये देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ डी कॉमन है। और जब एक कॉमन रहता है तो किस तरह से किया जाता है, तो यहां से जो है क्लॉकवाइज, पहला अगर लेंगे तो डी से क्लॉकवाइज घूमिए, ई हो गया, और ई से फिर एफ हो गया, डी से क्या हो गया ई हो गया, ई से क्या हो गया एफ हो गया, फिर इसमें भी लेंगे तो डी से क्लॉकवाइज घूमना है सी, और सी से एफ, यहां से हो गया सी, और सी से हो गया क्या बी, यहां पर सी से बी। तो देखिए जब डी डी कॉमन हो गया ना, ठीक है, तो ई और सी क्या हो गया आपस में अपोजिट हो गया, एफ और बी क्या हो गया अपोजिट हो गया। तो जब ये कब करते हैं, जब एक जो है कॉमन रहता है तब, जैसे यहां पर क्या कॉमन है डी कॉमन है, तो ई का अगर पूछता तो सी हो जाता, एफ का पूछता तो बी हो जाता, बी का पूछता तो एफ, सी का पूछता तो ई। लेकिन अब डी का कैसे निकालेंगे, डी तो कॉमन है, तो जो नहीं दिख रहा है उसमें ये डी का कॉमन हो जाए, कौन नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, तो ए जो है कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगर हमको पूछता इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो हम कैसे निकालते। ठीक है, यहां क्वेश्चन कुछ अलग पूछता है, यहां अगर क्वेश्चन मार्क दिया रहता, इस क्वेश्चन मार्क के जगह में अगर होता, मान लीजिए आप डी होता, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर डी होता, तो अब क्या करते हैं हम, यहां पर डी होता मान लीजिए। अब देखिए ये फेस और ये फेस कॉमन है, डी डी है, एक ही फेस में है, एक ही तरफ है, बी बी इस साइड है, बी बी इस साइड है, ये दोनों कॉमन हो गया, तो डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं सी जो है ए के अपोजिट होता, ये दूसरा नियम था, लेकिन एक कॉमन वाला ये नियम है, तो उसके अकॉर्डिंग डी के विपरीत कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, तर्क और कथन का क्वेश्चन है। शुड चिल्ड्रेन बी लीगली मेड रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज, क्या बच्चों को बुढ़ापे के दौरान अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये कर्तव्य होता है, ये हम फोर्सफुली किसी से नहीं करा सकते हैं, ठीक है, उनका तो कर्तव्य है, इसको लीगल के दायरे में जो है नहीं बांधा जा सकता। ठीक है, यहां पर यस दिया है, ये जबरदस्ती हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है।
ठीक है, ये इनका कर्तव्य है, इनको पालन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कानूनी तौर से जो है गलत हो जाएगा। फिर यहां पर क्या है, यस ओनली दिस विल ब्रिंग सम रिलीफ टू पुअर पेरेंट्स, ठीक है। यहां देखिए, यहां बात कुछ अलग चीज का हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है टॉपिक कुछ अलग उठा दिया, यहां अमीर गरीब वाला बात नहीं उठ रहा, इसलिए ये भी जो है गलत होगा। तो दोनों जो हो जाएगा, तर्क जो है मजबूत नहीं होगा, नो तो तर्क एक, नो ही दो मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल फोर लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग यूजिंग द थर्ड फिफ्थ एट एंड नाइन्थ लेटर ऑफ द जजमेंट। यहां पर क्या है, जजमेंट है, डी जी ई एम ई एन टी, ठीक है, जजमेंट है। तो यहां पर क्या थर्ड लेटर पूछ रहा है, तो थर्ड लेटर ये वाला हो गया, तीसरा लेटर हो गया, फिर कौन सा, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, फिर कौन सा हो गया, आठवां हो गया, आठवां हो गया, और फिर क्या हो गया, नाइन्थ हो गया, ठीक है। यानी कि डी ई एन टी, तो पहले डी एन टी तो एक वर्ड बन गया, डेंट। डेंट मैंने क्या हो गया कि मान लीजिए कोई स्क्रेच हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेंटिंग पेंटिंग, तो उसमें डेंटिंग कराते हैं ना, तो विकिल में, तो वो हो गया डेंट। अब देखिए टेंट भी हो जाएगा, टी ई एन टी, नहीं टेंट नहीं होगा क्योंकि यहां डी है, टेंट नहीं होगा, डेंट हो गया। और डेंट के बाद और एक वर्ड कौन सा बनेगा, देखिए टेंड हो जाएगा, टी ई एन डी, टेंड, टेंडिंग टू लिखते हैं ना, टेंड मतलब होता है उधर की ओर अप्लाई होना, टेंडिंग, टेंडिंग टू फोर्स, टेंड टू फोर्स, ठीक है। टेंड मतलब हो गया उधर किसी साइड बल लगना को बोलते हैं, टेंड होते हैं घुमा होना, ठीक है। तो इसमें दो मीनिंगफुल लेटर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्या, एक सीरीज है, इस सीरीज में देखिए ये घटते हुए सीरीज, और देख के लग रहा है कि ये आपका जो है, देखिए अगर हम इधर से चलते हैं, इधर से अगर चलते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, इसको क्या करेंगे, 54 75 है, अगर हम इसमें 25 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, ठीक है। 5500 को अगर हम 5 से डिवाइड दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। उसी तरह हमको क्या करना है, यहां चलेंगे 1100 में क्या करेंगे, 25 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 1100 25 हो गया। अब 5 से अगर डिवाइड दे देते हैं, 5 × 10 5 × 10 25 25 225 आ गया। फिर 225 में हम क्या करेंगे, 25 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 250 भागा कितना कर दिए, 5 कर दिए, तो 50 हो गया। फिर 50 में क्या करिए, 25 ऐड कर दिए तो हो गया 75, 75 भागा 5 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 15 में 25 फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 भागा 5 कितना हो गया, 8, देखिए आने लगा ना, 8 हो गया। 8 में फिर 25 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 33, और 33 में 5 से भगा दिए तो 6.6 आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, यहां पर 15 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स टू सिक्वेंसली इंटरचेंज द साइंस एंड बैलेंसिंग द गिवन इक्वेशन। ये क्या है, एक इक्वेशन है, और ये देखिए यहां पर 494 लाना है क्योंकि लास्ट वाले में जो है इक्वल टू साइन है, तो 494 लाना है। तो सभी क्या चेक कर करके देखेंगे, देखना पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो एक इसमें आपको सीक्रेट क्या है कि पहले भागा को अगर टारगेट करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए बराबर 494 है, होल नंबर है, तो भागा ऐसे जगह में होना चाहिए जो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, जो पूरा पूरा जो है कट जाए।
अगर नहीं कटता, मान लीजिए ये फ्रैक्शन में होता है, मान लीजिए कि जैसे 18 है, ठीक है, फिर क्या है 18 है, अब मान लीजिए गुना है और यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है, 18 गुना मान लीजिए 9 है और भागा 2 है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या ये भी पूरा कटेगा, क्योंकि पहले तो मान लीजिए 9 को तो 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, 9 को 2 से हम भाग नहीं दे लगेगा तो 9/2 होगा, लेकिन ये जो है इसके साथ कट जाएगा तो होल नंबर ये भी आ जाएगा पूरा पूरा कट के। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है जो कि कटने वाला नहीं है, मान लीजिए 7 है गुना 9 और भागा 2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या कहीं होगा, फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा। तो यहां पर पहले भागा को टारगेट करेंगे, यहां देखिए अगर यहां भागा आ जाएगा तो भी फ्रैक्शन में होगा, यहां भाग आगा तो भी फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा, भाग यहां पर होना चाहिए, ठीक है, भाग यहां पर होगा तभी पूरा होने वाला है। तो भाग अगर यहां पर है तो आप देखिए करके इसको बैठा के 16+31-18/2 और गुना 11 इतना आना चाहिए, ये तो 9 आ जाएगा और 11 फिर बोडमास का रूल लगाएंगे, भाग हो गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 11 कर दिए, यहाँ पर 99 आ जाएगा। क्या 494 बहुत बड़ा नंबर, इसको सॉल्व करने से 494 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक है, पहला वाला हो गया क्या, नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा नहीं, जैसा कि इसमें भाग कुछ अलग जगह है तो ये भी बहुत ही कम चांस है नहीं होने का, ठीक है, फिर भी इसको हम जो है बाद में देखेंगे अगर नहीं हुआ तो। अब इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, ये हो गया गुना कितना हो गया 31 हो गया और प्लस हो गया 18/2 हो गया माइनस 11 हो गया, ये हो सकता है क्योंकि ये 9 हो गया, 16×31 तो कितना हो गया 16×31 इधर हो गया 16×30 480 और प्लस 16 हो गया 496 हो गया, ये तो हो ही गया, और यहाँ प्लस 9 और माइनस 11 यानी कि क्या हो गया ये वाला करेंगे तो 494 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भाग में भाग को पहले टारगेट करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इसको ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है। ये वाला है एक PMZAL जो है 5 सदस्यीय परिवार का हिस्सा है और L को छोड़कर जो है बाद बाकी सभी महिलाएं हैं, जेड ऑल वैवाहिक है, यानी L को छोड़कर, देखिए जेड और L जो है ये क्या है, जोड़ा है, शादी का जोड़ा है, शादीशुदा जोड़ा है, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा और इसके जो है बच्चे कौन हुए, पी हो गया, एम हो गया, ए हो गया, ये सभी कौन हो गए, फीमेल बच्चे होंगे, फीमेल, क्योंकि मेल एक ही है जो कि जेड है, तो इन सभी का पिता कौन हो गया, एल हो गया, जेड क्या हो गया, माता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एम का पूछ रहा है, एम का जेड से किस प्रकार रिलेशन है, एम का जेड से किस प्रकार रिलेशन है, तो एम तो सभी फीमेल है, जेड उनकी माता है, तो ये सभी जेड की और एल की जो है कौन होंगी, बेटियां होंगी, तो क्या होगा, ये नहीं सॉरी बेटियां होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, डॉटर। नेक्स्ट आते हैं, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है ऑल क्रिकेटर्स आर वेल्दी, तो क्रिकेटर्स को यहां रखिए, क्रिकेटर्स का सभी क्रिकेटर्स वेल्दी है, तो क्रिकेटर्स के बाहर चारों ओर वेल्दी होगा तभी ना क्रिकेटर वेल्दी के अंदर आ जाएगा। सम वेल्दी आर इंडियंस, ठीक है, सम का क्वेश्चन है, सम वेल्दी आर इंडियंस, तो कुछ पोर्शन जो है वेल्दी का इंडियन में आएगा, ठीक है। ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, तो ऑल है तो सभी इंडियन को हम क्या करेंगे, ऑनेस्ट के अंदर रखेंगे, ठीक है, इंडियन ऑनेस्ट में आना चाहिए, ठीक। तो यहां पर देखिए अब कंक्लूजन क्या, ऑल इंडियंस आर क्रिकेटर्स, देखिए इंडियंस का जो है कहां तक है, अगर इंडियंस की बात करेंगे तो इंडियंस तो बस मेरा इतना दूर ही है, ये वाला देखिए इंडियंस का एरिया है और यहां पर देखिए क्रिकेटर का एरिया इधर है,
तो मैच तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल अलग है, हम कह नहीं सकते कुछ। तो जिसके बारे में कह नहीं पाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी होगा, अगर हम पॉसिबिलिटी कहें तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन कंफर्म अभी दिख रहा है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम क्रिकेटर्स और ऑनेस्ट, वही बात है, क्रिकेटर्स बिल्कुल ऑनेस्ट से अलग हो जाता है। ऑनेस्ट देखिए ये है का एरिया, और क्रिकेटर्स अलग, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों का दोनों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अराउंड इज कोडेड एज, इतना अराउंड है, ARound अराउंड है। अब यहां पर क्या है, CVUCXP है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, जैसे कि इसमें है, देखिए यहां पर ए है, तो ए में हम कितना, तीन ऐड कर रहे हैं, सॉरी दो ऐड कर रहे हैं, यहाँ प्लस दो ऐड कर दिए। आर में कितना हो गया, प्लस चार ऐड कर दिए। आर आर में चार आगे बढ़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ओ कितने नंबर, 15 नंबर पे होता है, इसमें हम छः ऐड करें, 15 6 21 हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो गया, यू है 21 प्लस आगे देखिए 8 ऐड करते हैं, ठीक है, ये 2 4 6 8, जब 8 ऐड करते हैं यू में तो 21 और प्लस 8 ऐड करते हैं 29 हो जाता है। 29 होता है 26 तक होता है, 26 से 3 अधिक, 26 क्या होता है, जेड, और घूम के हो जाएगा कितना, ए बी और सी, तीसरे नंबर पे क्या होगा, सी होगा। इसमें कितना 10 होगा, तो यही एक्स हो जाएगा, ठीक है। 14 और 10 कितना हो गया, 24, और डी कितना, 4 नंबर पे होता है, और इसमें 12 ऐड जब करेंगे 16 हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। तो उसी तरह से हम किसको लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे, सेम इसके साथ भी होगा, ऑनलाइन का जो QRX का सेम रिलेशन होगा, आप देखिएगा। फिर रस्टिक का कोड कैसे करेंगे, तो देखिए रस्टिक, RUSTIC, तो इसमें जब दो ऐड करते हैं रस्टिक में, तो यहाँ कितना हो जाता है, 20। 20 का अर्थ कितना हो गया, 20 किसका होता है, टी का होता है, ठीक है, ये किसका होता है, टी का होता है। तो 18 प्लस 2 हो गया, टी हो गया, तो ये दोनों और ये दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाना चाहिए बी और जाना चाहिए सी नंबर में, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, अब ये दोनों बचा, तो आप देखिए किस में चेंज करेंगे, ये थर्ड वाले में चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना ऐड करेंगे, यहाँ 4 ऐड करेंगे, यहाँ कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, और यहाँ वाले में 8 ऐड करेंगे, ठीक है, टी में 8 ऐड किए। तो टी 20 नंबर पे होता है, तो 28 हो गया, 28 28 तो होता नहीं है, 26 और प्लस 2 ले लेंगे, तो यानी कि ए हो गया 26 के, यानी कि जेड, जेड के बाद ए और फिर बी, तो यहाँ कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। बाद बाकी आप सभी निकाल के देख लीजिए, एक ही होगा। क्यू कितना हो गया, 21 नंबर पे, लाल दिख नहीं रहा है, ठीक है, यू हो गया 21, 21 और 4 कितना होता है, 25, और 25 किसका हो जाएगा, मेरा वाई का हो जाएगा, ये हो गया टी वाई, और 19 प्लस 6 कितना, 25, ये भी वाई हो गया, यहाँ पर तो बी हो गया, और यहाँ पर जो है रस्टिक है, यानी कि आई वाले में 10 जोड़ेंगे और सी वाले में जो है 12 जोड़ेंगे। तो आई में जब 9 प्लस 10 19 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 9 और 10 कितना होगा, 19, ये 2 4 6 8, ठीक है, 8, और ये क्या हो जाएगा, फिर आई, जब आई कितना हो गया, 9, 9 10 कितना हो गया, 19, 19 का कितना हो गया, एस हो गया, ये वाला हो गया, फिर 3 और 12 कितना हो गया, 15 ओ, तो ये देखिए TYY BSO, TYY BSO, तो सेकंड वाला जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए ये एक सेट दिया गया है, इसी सेट सेम पैटर्न जो इसमें फॉलो हो रहा है, ऑप्शन में ढूंढना है किसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पर देखिए एक ही दिया गया है, जैसे 300 है, ठीक है, अब मान लीजिए कि 300 लाना है, एक एक 100 करके है, तो ए बी और सी इस तरह करके है, तो अब देखिए अगर बीच वाला में दोगुना करते हैं, बीच वाला में दोगुना करते हैं और ये
लास्ट वाले को ऐड करते हैं तो पहला वाला आ जाता है, ठीक है, या फिर 300 आ गया, या फिर ऐसे भी होगा कि लास्ट वाले में जो है दो ऐड करते हैं और बीच वाला जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। सेम इसमें देखिए, इसमें दोनों सेम सेम है तो पता नहीं चल रहा है, इसमें देखिए इसको में पता चलेगा, 66 में अगर दोगुना करेंगे तो 132 हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, इससे नहीं पता चलेगा इसको आप, ठीक है, इसको लीजिए आप 11 गुना 2, ठीक है, प्लस 66 हो गया कितना, 88, ठीक है। यानी हम इसमें कौन सा पैटर्न करें, मान लीजिए ए बी सी यहाँ पर था तो हम क्या करेंगे, बी ए बराबर बी प्लस 2 इंटू सी, ये पैटर्न इसमें लगाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस में है, लास्ट का दोगुना करके बीच वाला जोड़िए, इसका दोगुना के लिए 40 और प्लस 40 80, ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए 25 का दोगुना 50 और प्लस 4, ये भी नहीं होगा। 11 का दोगुना 22 और 22 44, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सेम पैटर्न पर हो रहा है। अब इसमें अगर आएंगे तो ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, पहला वाला जिस तरह दूसरे वाले से रिलेटेड है सेम, तीसरा जो है चौथा से है और पांचवा जो है छठा से, तो किस तरह से इसमें होगा, 6, 16, 10, 28, 3 क्वेश्चन मार्क, देखिए हम क्या करते हैं, 6 का अगर दोगुना कर दिए, ठीक है, 6 का दोगुना कर दिए यानी कि 6 गुना 2 12, 12 और 4 और 4 ऐड करते हैं तो 16, इसमें भी आना चाहिए, 10 का दोगुना 20 और ये कितना हो गया, 4 ऐड है तो 4 करते हैं तो 24 ही होता है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर कितना है, 28 है, ठीक है, तो ये तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है इसमें, देखिए नेक्स्ट पैटर्न हो सकता है कि 6 है, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 6 है और 6 का दोगुना 12 ये कैसे आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि 6 को हम जो है 3 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 18, 18 में 2 माइनस करते हैं तो कितना हो गया, 16, फिर 10 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 30, 30 में अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना हो गया, 28, फिर यहाँ 3 हो गया, 3 को तिगुना कर दिए, ठीक है, 3 को अगर तिगुना कर दिए तो ये कितना हो गया, 3 × 3 = 9, अब 2 माइनस किए तो कितना हो गया, 7, ये देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर जो है इसको अरेंज करना है अल्फा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे, तो एक बात याद रखना है कि कॉमन के बिहाव पर नहीं हो सकता, कॉमन सभी को हटा देंगे, जैसे SU है, SU है, SUB, SUB सब में है, देखिए SUB, SUB, SUB यहाँ भी है, SUB यहाँ भी है, SUB यहाँ भी है, SUB यहाँ भी है, और उसके बाद जो है सभी में, जो सभी में कॉमन होगा वैसे करना, हटाना है, सभी में कॉमन कौन सा है, SUB सभी में कॉमन है, ठीक है, और SU के बाद जो है चेंज हो गया है, देखिए यहाँ T है, फिर यहाँ पर क्या है, T हो गया, यहाँ पर क्या है, M हो गया, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट S हो गया, यहाँ पर M हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर S हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, देखिए यहाँ पर T है, अब जो कितने टाइप का यहाँ दिख रहा है, T दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, M दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, S दिख रहा है, ठीक है, MTS दो अलग, तो इसमें अल्फाबेट में देखिए सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले अगर देखेंगे तो M वाला होगा, ठीक है, तो यानी कि M वाला कौन कौन सा है, दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, फिर कौन सा होगा, चौथा हो गया, दूसरा और चौथा हो गया,
और m के बाद क्या हो गया, s वाला हो गया, और ठीक है, एक तो ये हो गया एक साथ, ये भी आपस में अरेंज होगा बाद में। इसका नेक्स्ट में कौन हो जाएगा, नेक्स्ट में अगर देखिएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एस वाला हो जाएगा, तो एस वाला कौन सा हो गया, एस वाला तीसरा हो गया, और फिर ये पांचवा वाला हो गया, ये भी आपस में अरेंज होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, टी वाला हो जाएगा, तो पहला और छठा, फिर नेक्स्ट जो होगा ये क्या हो गया, पहला हो गया छठा हो गया, ये भी आपस में अरेंज होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो M, ये वाला क्या है, M वाला है, ये क्या है, S है, और T वाला, ठीक है। अब M को भी अरेंज कीजिए दो और चार में से, देखिए दो और चार यहां पर सभी है, एक और छह भी है लास्ट में, तो हम नहीं बोल सकते हैं कौन पहले होगा। अब M वाले को सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है, M वाला में, M वाला, M दो और चार में ध्यान दीजिए कौन सा अरेंज होगा। जैसे एस यू बी एम है कॉमन, एस यू बी एम है कॉमन, यह भी है यहां पर, ठीक है, तो ये एस यू एम तक कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट यहां देखिए क्या है, ई है, ठीक है, ई है, और यहां पर क्या है, आई है, तो ई और आई में पहले कौन होगा, ई वाला होगा, ई दो नंबर होगा और चार जो है बाद में होगा, यानी दो हो गया और फिर चार हो गया, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां पर देख के सभी में छह एक है, तो ये छह एक ही होगा, ठीक है। तीन और पांच में देखते हैं अब, ठीक है, तीन और पांच में एस वाला नेक्स्ट है, तीन और पांच में, तो एक्स वाला नेक्स्ट हो गया। यहां पर देखिए तीन और पांच में देखिए यहां पर क्या है, एस यू बी एस है, फिर एस यू बी एस है, इतना ही कॉमन है, ठीक है, यहां आई है और यहां कितना है, सी है। इसको छोड़ दीजिए, सभी का तो काम खत्म हो गया है, अरेंज कर चुके हैं। ये वाला देखिए आई है और यहां पर क्या है, सी, आई और सी में कौन सा होगा, सी पहले होगा, यानी पांच नंबर पहले होगा, बाद में पांच और तीन हो गया बाद में, ठीक है। फिर यहां पर छह एक होगा, यहां देख लीजिए करके, इसका भी काम हो गया, इसको भी हटाइए, काम हो गया। अब टी वाला हो गया, टी यहां है और टी यहां है, तो यहां क्या, एस यू बी टी है कॉमन, इन दोनों में एस यू बी टी कॉमन है, यहां पर क्या है, एल है, और यहां पर क्या है, आर है। एल और आर में पहले कौन आता है, एल वाला आता है, यानी कि छह पहले आएगा बाद में, तो ये वाला होगा पांच तीन, तो देख के लगता है तो ये आंसर होगा, ठीक है। दो चार पांच तीन छह एक, ये जो है सभी अरेंज हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले रीजनिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।